नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और ये है सैमसंग का एक डिवाइस और ये है वन प्लस का एक डिवाइस। यहाँ पे हम करने वाले हैं सैमसंग के वन यूआई और वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस को कंपेयर। तो हम यहाँ पे करेंगे डिटेल में कंपेयरिंग। यहाँ पे हम होम स्क्रीन से लेकर क्विक सेटिंग टॉगल से लेकर सेटिंग्स और जो भी आपको फीचर्स मिलते हैं सभी को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं वन यूआई में और क्या फीचर्स आपको मिलते हैं ऑक्सीजन ओएस में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले होम स्क्रीन से। जैसे आप यहाँ पे लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पे दोनों ही फ़ोन में तो आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स मिलते हैं। जैसे बात करेंगे यहाँ पे होम सेटिंग्स, विजेट्स और वॉलपेपर। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे सैमसंग के वन यूआई में आपको एक फीचर मिलता है जो इसमें नहीं मिलेगा, वो होता है थीम्स। तो आप यहाँ पे अपने सैमसंग के फ़ोन में अनलिमिटेड थीम्स को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो वन यूआई है एक कस्टम स्किन है। इसका मतलब है कि आप कोई भी यहाँ पे जो थीम्स है गैलेक्सी थीम स्टोर में अवेलेबल, आप उन्हें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वन प्लस के किसी भी फ़ोन में जिसमें ऑक्सीजन ओएस हो उसमें आप थीम्स को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बेस्ड है टोटली स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस पे, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा जैसे आप ऐप ड्रॉअर में जाते हो तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे सैमसंग के वन यूआई में जो ऐप ड्रॉअर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। इस तरीके से आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्वाइप करके यहाँ पे ऐप ड्रॉअर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वन प्लस के लॉन्चर में जो ऐप ड्रॉअर होता है वो वर्टिकल होता है इस तरीके से। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है ड्रॉअर में दोनों के बीच में। दोस्तों जो विजेट्स का व्यू होता है दोनों में अलग अलग होता है। जैसे आप यहाँ पे लॉन्ग टैप करोगे जाओगे विजेट्स में और यहाँ पे भी जाओगे अगर आप विजेट्स में तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो व्यू है इसका वो हॉरिजॉन्टल होता है। आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में स्वाइप करना पड़ता है तब आप यहाँ पे जो विजेट्स है उन्हें देख सकते हो, और यहाँ पे जो व्यू होता है वर्टिकली होता है इस तरीके से। दोस्तों वन यूआई और ऑक्सीजन ओएस दोनों यूआई में आपको लेफ्ट स्क्रीन मिल जाती है, मतलब माइनस स्क्रीन। जैसे आप राइट में स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे सैमसंग में दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप सैमसंग फ्री को यहाँ पे चूज कर सकते हो या फिर आप गूगल डिस्कोर को, लेकिन वन प्लस के फोन में आप केवल यहाँ पे गूगल डिस्कोर का ही यूज कर सकते हो। आपको वन प्लस का खुद का कोई यहाँ पे जो पेज है वो नहीं देखने मिलता। दोस्तों सैमसंग के फ़ोन में आप आइकन पैक को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इंडिविजुअल आइकन को चेंज नहीं कर सकते। मतलब मान लो अगर आपको माई फाइल्स को अलग आइकन शो करना है, गैलेक्सी स्टोर को अलग आइकन शो करना है, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। आपको आइकन अगर चेंज करना हो तो आपको पूरा आइकन पैक ही चेंज करना पड़ता है। लेकिन वन प्लस के फ़ोन में जो ऑक्सीजन ओएस है उसमें आप हर एक आइकन को एक सेपरेट आइकन पैक के साथ चेंज कर सकते हो। मान लो माई फाइल, इसको फाइल मैनेजर को आपको अलग आइकन पैक में शो करना है तो आप एडिट करके यहाँ पे आइकन पैक यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सेटिंग्स को अलग आइकन पैक दिखाना है तो आप यहाँ पे अलग आइकन पैक चूज कर सकते हो। लेकिन सैमसंग के फ़ोन में आपको आइकन अगर चेंज करना हो तो आपको सभी आइकन पैक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सैमसंग के फ़ोन में जो ऐप लेबल होते हैं, जो नाम लिखा होता है ऐप के नीचे, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, जो होता है वही होता है। लेकिन ऑक्सीजन ओएस में आप जो नेम है, आप किसी भी ऐप का जो लेबल है, फिर चाहे होम स्क्रीन पे हो या फिर ऐप ड्रॉअर में, आप उनका जो लेबल है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से बड़ी आसानी से। हालांकि आप दोनों ही फ़ोन में जो ऐप लेबल है जो लिखा हुआ है ऐप के नीचे उस नाम को आप हाइड कर सकते हो, लेकिन सैमसंग के वन यूआई में आपको गुडलॉक का यूज़ करना पड़ेगा तब जाके आप उसे हाइड कर सकते हो। ऑक्सीजन ओएस में आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आप ऐप लेबल को हाइड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे वन प्लस के फ़ोन में आपको मल्टीपल यूज़र प्रोफाइल मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे प्रोफाइल फोटो पे टैप करना है और यहाँ पे आप अलग अलग प्रोफाइल में अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो अलग अलग यूज़र के लिए। लेकिन आपको सैमसंग के फ़ोन में यहाँ पे मल्टीपल यूज़र प्रोफाइल का जो फीचर है वो यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता। दोस्तों अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ऐप को मोबाइल डेटा यूज़ करने से या फिर वाईफाई यूज़ करने से रोकना है तो आप ऐसा ऑक्सीजन ओएस में कर सकते हो। तो आपको किसी भी ऐप को लॉन्ग टैप करना है, ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ पे डाटा यूसेज डिटेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हो आप इस ऐप का मोबाइल डेटा भी डिसेबल कर सकते हो और वाईफाई भी डिसेबल कर सकते हो। अगर दोनों ऑफ कर दोगे आप तो ये कभी भी इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन सैमसंग के वन यूआई में ऐसा आपको कोई भी फीचर नहीं मिलता। हालांकि आप इनेबल कर सकते हो ये ऐसा फीचर, सैमसंग मैक्स आपको डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन आप ऑक्सीजन ओएस में बिना ऐप को डाउनलोड किए ऐसा कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कैमरा फीचर्स के डिफरेंस के बारे में। तो सैमसंग के कैमरा ऐप में आपको मिलता है एक फीचर जो आपको किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में देखने नहीं मिलता, जो होता है सिंगल टेक, जिसके जरिए आप एक टेक लेकर अलग अलग छः शॉट्स को आप क्रिएट कर सकते हो अलग अलग रिजल्ट के साथ। हालांकि आपको इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता। लेकिन वन प्लस के फ़ोन में आप HDR को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो या फिर ऑटो पे रख सकते हो, लेकिन आपको सैमसंग के फ़ोन में HDR को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता। HDR जो होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे वन प्लस में आप टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑटो भी सेट कर सकते हो।
दोस्तों वन यू आई में आप चालू वीडियो रिकॉर्डिंग में जो कैमरा है फ्रंट से बैक, बैक से फ्रंट स्विच कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस में नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्सीजन ओएस में आपको मिलता है ड्यूल व्यू वीडियो का ऑप्शन, जिसके जरिए आप दो हिस्सों में अपने स्क्रीन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्विक सेटिंग टॉगल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही पैनल में मैंने यहाँ पे सेम कलर सेट किया हुआ है, लेकिन ये मैंने किया है सैमसंग के वन यू आई में गुड लुक का यूज करके। लेकिन मुझे वन प्लस में कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना पड़ा, मैं बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए जो कलर है एक्सटेंड कलर उसे चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा जो शेप है ये क्विक सेटिंग टॉगल का जो शेप है वो भी आप चेंज कर सकते हो। सैमसंग के फोन में आपको शेप चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, हालांकि आप एक्सटेंड कलर चेंज कर सकते हो गुड लुक का यूज करके। लेकिन सैमसंग के क्विक पैनल में एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको किसी भी पैनल में अंदर जाना हुआ सेटिंग्स में, तो आपको लॉन्ग टैप करके सेटिंग्स में जाना नहीं पड़ता। आप यहाँ पे केवल टैप करोगे उस नाम पे, तो आप उसकी सेटिंग्स यहीं से एक्सेस कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस में आपको ऐसा फीचर नहीं मिलता, आपको यहाँ पे टैप करके लॉन्ग टैप करके सेटिंग्स में जाना पड़ता है, वहीं पे आपको सेटिंग्स नहीं मिलती। इसके अलावा जैसे आप क्विक पैनल में आप टाइम पे टैप करोगे तो यहाँ पे वन यू आई में कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस में यहाँ पे अलार्म ओपन हो जाता है, क्लॉक ओपन हो जाती है। दोस्तों आप वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस में जो आइकन का साइज है वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जाओगे होम सेटिंग्स में आइकन लेआउट में, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे मिलता है साइज का ऑप्शन, आप यहाँ पे स्मॉल मीडियम और बिग इस तरीके से जो आइकन का शेप है वो साइज है उसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको सैमसंग के फोन में आइकन का साइज चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। दोस्तों सैमसंग के वन यू आई में जो सभी सिस्टम ऐप्स होते हैं जैसे फोन ऐप, मैसेज ऐप, इसके अलावा कीबोर्ड, कैलेंडर, सभी सैमसंग के खुद के होते हैं। लेकिन यहाँ पे वन प्लस में सभी जो सिस्टम ऐप्स होते हैं जैसे फोन ऐप, मैसेज ऐप, कैलेंडर, कीबोर्ड, ये सभी गूगल का होता है। तो आपको यहाँ पे गूगल के ऐप्स देखने मिलेंगे और यहाँ पे सैमसंग के फोन में आपको सैमसंग के ही सिस्टम ऐप्स देखने मिलेंगे। दोस्तों सैमसंग के वन यू आई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है मेरे हिसाब से कि सैमसंग के फ़ोन में आप बिना किसी अनाउंसमेंट के ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन वन प्लस के फ़ोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो लेकिन अनाउंसमेंट के साथ सामने वाले को पता चलता है कि आप उससे कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है वन प्लस के यू आई में ऑक्सीजन ओएस में। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे ये जो फीचर है कॉल रिकॉर्डिंग का सैमसंग के फ़ोन में कंट्री स्पेसिफिक होता है, मतलब सभी देश में आपको अवेलेबल नहीं मिलता। दोस्तों सैमसंग के फ़ोन में आप जितने चाहो उतने फ़ोन्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वन प्लस के फ़ोन में आपको तीन ही फ़ोन्स मिलते हैं लिमिटेड फ़ोन्स, लेकिन सैमसंग के फ़ोन में आपको अनलिमिटेड फ़ोन्स मिलते हैं, आप कितने भी फ़ोन्स यहाँ पे डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो, तो फ़ोन्स की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं होती वन यू आई में। दोस्तों वन यू आई और ऑक्सीजन ओएस दोनों में आपको गेम लॉन्चर का ऑप्शन मिलता है, गेम को लॉन्च करने के लिए गेम के लिए अलग से एक लॉन्चर, तो आपको यहाँ पे मिलता है गेम लॉन्चर और आपको यहाँ पे मिलता है गेम्स, तो आप दोनों ही फोन में गेम लॉन्चर का यूज कर सकते हो, तो ये दोनों में मिल जाता है फीचर। दोस्तों वन यू आई के एओडी में आप अगर क्लॉक पे डबल टैप करोगे तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे वन प्लस के फोन में एओडी पे आप ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे क्लॉक पे डबल टैप करते हो सैमसंग के फोन में, तो यहाँ पे आप स्वाइप करने पर यहाँ पे विजेट्स देख सकते हो अलग अलग, म्यूजिक के लिए, अलार्म के लिए, बिक्सबी के लिए। हालांकि आप वन प्लस में जो ऑक्सीजन ओएस है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, विजेट्स आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलते एओडी पे। लेकिन दोस्तों वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस में एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लॉक स्क्रीन पे ही, मतलब ऑफ स्क्रीन जब होता है ना तब यहाँ पे आप एक्शन से अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो। मतलब आपको अगर कैमरा ओपन करना हो तो आप यहाँ पे ऑटो कर सकते हो, कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्लैशलाइट को ऑन करना है तो आपको यहाँ पे विड्रॉ करना है, फ्लैशलाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे अलग अलग जेस्चर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे स्वाइप अप के लिए प्ले स्टोर, ऐसे अलग अलग आप जेस्चर जो है सेट कर सकते हो। सैमसंग के फ़ोन में ऐसे स्क्रीन ऑफ जेस्चर आपको देखने नहीं मिलते। दोस्तों वन प्लस के फ़ोन में जो एओडी पे आप पूरा मैसेज यहाँ पे पढ़ सकते हो, मतलब जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगी आपको यहाँ पे पूरी दिखाई जाएगी, आप यहाँ पे क्लियरली उसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो आपका डिस्प्ले मैसेज है अगर आपको क्या शो करना हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे ईएस टेक्नो शो करना है, तो मैं यहाँ पे ईएस टेक्नो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी मैसेज यहाँ पे एओडी पे शो कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं अब ऐसे फीचर्स की जो आपको वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस में देखने मिलते हैं लेकिन सैमसंग के वन यूआई में देखने नहीं मिलते। सबसे पहला यहाँ पे आपको मिलता है ऐप लॉक का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे मिलता है इनबिल्ट ऐप लॉक का ऑप्शन, आप यहाँ पे ऐप्स को लॉक कर सकते हो बायोमेट्रिक्स और पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ। सैमसंग के फोन में ऐसा ऐप लॉक का फीचर नहीं मिलता। इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क की स्पीड आपको देखने मिलती है वन प्लस में स्टेटस बार में, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जो ऐप्स है उन्हें भी हाइड कर सकते हो, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ। तो जैसे आप यहाँ पे डबल स्वाइप करोगे आपको यहाँ पे मिलता है ऐप को हाइड करने का ऑप्शन, आप यहाँ पे ऐप को हाइड कर सकते हो वो भी पासवर्ड के साथ। दोनों ही फ़ोन में यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है आपको इन डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एनिमेशन को चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। हालांकि आप वन प्लस के फ़ोन में 8 अलग अलग टाइप के एनिमेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो फिंगरप्रिंट के लिए।
इसके अलावा ऑक्सीजन ओएस में एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। इसका मतलब है कि आप जब वर्क पे होते हो तो अलग ऐप्स को इनेबल कर सकते हो और जब घर पे आते हो तो अलग ऐप्स को इनेबल कर सकते हो। मतलब जब आप जॉब पे होते हो तो जिन ऐप्स को आपने सिलेक्ट किया है उन्हीं ऐप्स की आपको नोटिफिकेशन आएगी, और घर पे आते हो तो जिन ऐप्स को आपने सिलेक्ट किया है लाइफ मोड में उन्हीं ऐप्स की आपको नोटिफिकेशन आएगी। ये मिलता है आपको वर्क लाइफ बैलेंस का फीचर। दोस्तों ऑक्सीजन ओएस के फाइल मैनेजर में आपको मिलता है ऑप्शन लॉक बॉक्स का, जिसके जरिए आप किसी भी मीडिया फाइल को या फिर किसी भी फाइल को पासवर्ड के साथ यहाँ पे लॉक कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको सैमसंग के फ़ोन में माई फाइल्स में ऑप्शन नहीं मिलता। दोस्तों इसके अलावा जब भी आप OnePlus के फ़ोन में फुल स्क्रीन में कोई भी गेम खेल रहे हो या फिर कोई भी मूवी या वीडियो देख रहे हो तो कोई भी अगर नोटिफिकेशन आएगी तो काफ़ी कम साउंड में आती है, छोटी सी आती है, लेकिन सैमसंग के फ़ोन में ऐसा कोई फीचर नहीं जिसके जरिए आप जो नोटिफिकेशन है फुल स्क्रीन में उसे कम कर सको। OnePlus के ऑक्सीजन ओएस में आपको मिलता है ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग का फीचर, जिसके जरिए अगर आप अपने फ़ोन को रात में चार्ज करते हो तो यहाँ पे आपका फ़ोन जो होता है स्लो चार्जिंग रेट में यहाँ पे चार्ज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, आप इसका यूज़ कर सकते हो ऑक्सीजन ओएस में। आपको ऑक्सीजन ओएस में शेड्यूल पावर ऑन का भी फीचर मिलता है, जिसके जरिए आप रात को अपने फ़ोन को अपने आप ऑफ कर सकते हो और सुबह किसी टाइम पे अपने आप ऑफ कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे फीचर मिलता है। एडिशनल सेटिंग्स में आप यहाँ पे देख सकते हो शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, तो ये फीचर आप ऑक्सीजन ओएस में कर सकते हो अपने OnePlus के फ़ोन में। दोस्तों ऑक्सीजन ओएस में आपको एक फीचर मिलता है जिसके जरिए आप जो परफॉर्मेंस है अपने फ़ोन का और बढ़ा सकते हो। तो जैसे आप जाओगे सेटिंग्स में, बैटरी में, मोर बैटरी सेटिंग्स में, यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है हाई परफॉर्मेंस मोड, तो आप जो सीपीयू है जीपीयू है पीक परफॉर्मेंस में यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा आपके फ़ोन का। इसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर होता है जिसे कहते हैं रैम बूस्ट। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे एडिशनल सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन रैम बूस्ट, जिसके जरिए जो भी ऐप्स या गेम्स आप रेगुलरली यूज़ करते हो वो यहाँ पे फास्टली क्विकली ओपन होंगे, लोडिंग काफ़ी कम होगा। दोस्तों इसके अलावा ऑक्सीजन ओएस में जब भी आप मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज़ करते हो तो आपको कितने डिवाइस को कनेक्ट करने देना है उसकी लिमिट आप सेट कर सकते हो, कितना मोबाइल डेटा यूज़ करना है उसकी लिमिट आप सेट कर सकते हो, और या किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को आप ब्लॉक कर सकते हो मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ करने देने से। सैमसंग के फ़ोन में ऐसे कोई फीचर नहीं मिलते हॉटस्पॉट के दौरान। दोस्तों सबसे अच्छी बात ऑक्सीजन ओएस की ये है कि ऑक्सीजन ओएस फिर चाहे किसी भी देश में हो किसी भी फ़ोन में हो आपको सभी फीचर्स सेम मिलेंगे, लेकिन सैमसंग का ऐसा नहीं होता। सैमसंग में जितना ज़्यादा महंगा फ़ोन होगा आपको उतने ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, जितना सस्ता फ़ोन होगा उतने कम फीचर्स आपको मिलेंगे। और सैमसंग के OneUI दो हिस्सों में होता है, एक होता है OneUI और एक होता है OneUI कोर, जो एक बजट कैटेगरी होती है जिसमें कई सारे फीचर्स मिसिंग होते हैं। तो जो भी मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो सभी सैमसंग के फ़ोन में हो, सैमसंग के फ़ोन में सभी फीचर्स तभी होंगे जब आप कोई फ्लैगशिप फ़ोन यहाँ पे परचेस करोगे, लेकिन ऑक्सीजन ओएस का ऐसा नहीं होता। आप कोई भी फ़ोन परचेस करो फिर चाहे 25,000 का हो या फिर 70,000 का, आपको सभी फीचर्स जो ऑक्सीजन ओएस में मिलेंगे वो सभी फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ही। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो ऑक्सीजन ओएस के बारे में आपको यहाँ पे देखने मिलती है। दोस्तों बात करते हैं ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपको मिलता है OneUI में लेकिन आपको ऑक्सीजन ओएस में नहीं देखने मिलते। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है पॉपअप व्यू, मल्टी विंडो। मल्टी विंडो का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा सैमसंग के फ़ोन में। तो जैसे आप यहाँ पे किसी भी ऐप को ओपन करोगे ओपन इन पॉपअप व्यू, तो आप इस तरीके से किसी भी ऐप को पॉपअप व्यू में ओपन कर सकते हो, उसकी साइज भी आप चेंज कर सकते हो, उसका पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो, आप जितने चाहे उतने ऐप्स को यहाँ पे ओपन कर सकते हो एक साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों इसके अलावा जो सैमसंग का गैलरी ऐप है वो सबसे एडवांस गैलरी ऐप है पूरे एंड्रॉयड फ़ोन में, तो आप यहाँ पे फोटोज़ को काफ़ी अच्छे से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप जो बैकग्राउंड इफेक्ट है वो चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, ऑब्जेक्ट रिमूवर का ऑप्शन, इसके अलावा यहाँ पे स्पॉट कलर, स्टाइल, कलर मिक्स, रिसाइज, लैप्स, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे OnePlus के ऑक्सीजन ओएस में काफ़ी लिमिटेड फीचर होते हैं गैलरी में, जिसके जरिए आप रोटेट कर सकते हो आपके फोटोज़ को, यहाँ पे आप सैचुरेशन, हाईलाइट, जो भी आपको कलर करना हुआ एडजस्ट वो कर सकते हो। लेकिन आपको जितने फीचर्स आपको सैमसंग के फ़ोन में मिलते हैं OneUI में, आपको उतने फीचर्स आपको यहाँ पे गैलरी में नहीं मिलते OnePlus के ऑक्सीजन ओएस में। दोस्तों इसके अलावा सैमसंग का जो वीडियो एडिटर होता है वो भी काफ़ी एडवांस होता है, जिसमें आप ट्रिम कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, कलर एडजस्ट कर सकते हो, स्टिकर फोटो ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इसके अलावा जो यहाँ पे रेजोल्यूशन है वो भी चेंज कर सकते हो। OnePlus के फ़ोन में आप केवल ट्रिम कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो और यहाँ पे म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। सैमसंग के फ़ोन में आपको मिलता है सैमसंग पे और सैमसंग मिनी का फीचर, जिसके जरिए आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो ये आपको OnePlus के फ़ोन में ऐसा पेमेंट ऐप देखने नहीं मिलता, सैमसंग का जैसे खुद का पेमेंट ऐप है वैसे OnePlus का कोई खुद का पेमेंट ऐप अभी तक नहीं है। दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है सैमसंग के फ़ोन में सिक्योर फोल्डर का फीचर, जिसके जरिए आप जो अपने प्राइवेट कॉन्टेंट है आप उन्हें हाइड कर सकते हो पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ, आप यहाँ पे देख सकते हो।
और ये होता है सिक्योर्ड बाय नोक्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है सैमसंग के फ़ोन में, उसमें आपको नोक्स मिलता है। तो नोक्स से आपकी जो सिक्योरिटी है फ़ोन की काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब जो हैकिंग का इशू होता है, फिशिंग का इशू होता है आपके फ़ोन में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है सैमसंग के फ़ोन में। लेकिन OnePlus के फ़ोन में ऐसा कोई भी सिक्योरिटी फीचर आपको देखने नहीं मिलता। दोस्तों इसके अलावा आपको सैमसंग के OneUI में मिलता है सैमसंग पास का फीचर, जिसके जरिए अगर आप कीबोर्ड में कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है नीचे में सैमसंग पास का फीचर, जिसके जरिए आप यहाँ पे अपने जो बायोमेट्रिक्स सेव करके अपने जो नोट्स से, कार्ड से, एड्रेस से या फिर कोई भी जो लॉगिन डिटेल है आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। आपको बार बार यहाँ पे लॉगिन डिटेल ऐड नहीं करना पड़ेगा, पासवर्ड आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये सैमसंग पास के जरिए आप कर सकते हो सैमसंग के OneUI में। OnePlus के फ़ोन में ऐसा कोई भी फीचर नहीं मिलता। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है प्राइवेट शेयर का फीचर, जिसके जरिए आप प्राइवेटली किसी भी मैसेज को सेंड कर सकते हो अपने प्राइवेट नंबर से, और वो मैसेज आप एक्सपायरी डेट के साथ सेंड कर सकते हो सामने वाले को। दोस्तों यहाँ पे पता होगा आपको एंड्रॉइड फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट तो मिलता ही है, गूगल असिस्टेंट, लेकिन यहाँ पे सैमसंग का अपना खुद का एक वॉइस असिस्टेंट है जिसे कहते हैं बिग्सबी। OnePlus के फ़ोन में ऐसा कोई खुद का अपना वॉइस असिस्टेंट नहीं है, लेकिन सैमसंग के फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट है जिसे आप बिग्सबी कहते हो, और आप अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो बिग्सबी के जरिए। दोस्तों सैमसंग के OneUI में अगर आप कोई फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मिलता है डेस्क का फीचर, जिसके जरिए आप अपने फ़ोन को पीसी, लैपटॉप या फिर स्मार्ट टीवी पे कास्ट कर सकते हो वायरलेसली या फिर वायर्ड। और इसके अलावा आप अपने फ़ोन को एज अ पीसी या लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, जो आपका पूरा एक्सपीरियंस होगा, जो पूरा UI होगा आपके टीवी स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप स्क्रीन पे, पूरी तरह से एक पीसी की तरह होगा, लैपटॉप की तरह होगा। जैसे आपको लगेगा कि आप कोई विंडोज पीसी का यूज़ कर रहे हो, उस तरह से आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो डेस्क का यूज़ करके। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं नॉर्मली, जैसे होता है एज पैनल, आप यहाँ पे एज पैनल का यूज़ कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे OnePlus के ऑक्सीजन OS में नहीं मिलता। इसके अलावा सैमसंग के फ़ोन में आपको मिलता है असिस्टेंट मेनू का फीचर, जिसे क्विक बोल भी कहते हैं अलग अलग UI में। तो इसके जरिए आप अलग अलग यहाँ पे शॉर्टकट्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे OnePlus के ऑक्सीजन OS में ऐसा कोई भी फ्लोटिंग असिस्टेंट मेनू का ऑप्शन नहीं मिलता। तो दोस्तों ये था डिटेल में कंपैरिजन सैमसंग के OneUI और OnePlus के ऑक्सीजन OS के बीच में। आपको दोनों में से कौन सा UI सबसे अच्छा लगता है और आपको कौन सा फीचर सबसे बढ़िया लगा दोनों UI के बीच में, आप मुझे बता सकते हो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।